पूनम्स किचन में आज बन रहा है एक स्पेशल नाश्ता, और वह भी सिर्फ एक चम्मच तेल में। बहुत ही बढ़िया सी डील है, बनाएंगे हम प्लेट इडली बिल्कुल नए तरीके से, सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली। क्लोजअप में देखिए, इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स सभी के घर में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। बाजार से कुछ भी लाने का कोई झंझट ही नहीं है। वीडियो में मैं साथ ही शेयर करूंगी एक बोनस रेसिपी, पीनट टोमेटो चटनी की रेसिपी। इडली और चटनी दोनों की ही रेसिपी है इंस्टेंट, तो जब भी मन करे कुछ अलग से, कुछ हटके खाने का, तो बनाएं ये इडली और चटनी। वैसे ये इडली इतनी टेस्टी है, इतनी यमी बनती है ना, कि आप चटनी की वेट ही नहीं करेंगे, आप रुखी ही खाते जाएंगे। ये चटनी भी कुछ कम नहीं है, अपने आप में बहुत ही टेस्टी है। और सिर्फ इडली ही नहीं, इसको आप डोसा, उत्पम, ब्रेड, सैंडविच, किसी भी चीज़ के साथ लगा कर खाना पसंद करेंगे। चलिए बनाते हैं ये इंस्टेंट प्लेट इडली और क्रीमी पीनट चटनी। मैंने एक कप फ्रोजन मटर लिए थे और उन्हें थॉ करने के लिए पानी में डालकर रख दिया था लगभग 10-15 मिनट में। देखिए अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। लगभग सभी लोग ही फ्रीज करके रखते हैं मटर को, सर्दियों में जब सस्ते मिल रहे होते हैं, ताकि गर्मियों में इस्तेमाल किए जा सकें। और साथ में ही मैंने यहाँ पर आधा कप मोटा जाड़ा पोहा ले लिया था, उसे अच्छी तरह से धोकर मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। ये भी देखिए 15 मिनट में ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। साथ में मैं ले रही हूँ 4 हरी मिर्च, काफ़ी तीखी है ये मिर्च। इन सभी चीज़ों को छान लूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। हमने इसका पेस्ट बनाना है। आप इन चीज़ों को तभी छानिएगा जब आप इसका पेस्ट बनाने के लिए तैयार हो, नहीं तो फिर छन्नी पर पड़े पड़े पोहा सूख जाएगा। बस इन सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लूँगी ब्लेंडिंग जार में और फिर इसका एक पेस्ट बना लूँगी। अब पेस्ट बनाते वक्त ना हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पेस्ट है तैयार, इस तरह का टेक्स्चर आया है। बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा दाना भी नहीं है मटर और पोहा का। पेस्ट को ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बड़े बोल में और इसमें साथ में डालूँगी आधा कप सूजी। आधा कप पोहा लिया है, आधा कप ही सूजी लेनी है। सूजी और पोहा मिलाकर हो गया टोटल 1 कप, और उतना ही दही डालना है। ये आधा आधा कप करके दो बार डाल देती हूँ तो टोटल 1 कप दही हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए अभी इसकी ये कंसिस्टेंसी आई है, काफ़ी थिक है। अभी इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। तब तक ये काफ़ी फूल जाएगा और भी गाढ़ा हो जाएगा। जितनी देर में ये बैटर रेस्ट कर रहा है, उतनी देर में मैं साथ साथ चटनी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पैन में ली है 1 कप मूंगफली, और हीट को मैंने रखा है लो और मीडियम के बीच में। बस इसे बराबर चलाते हुए मैं रोस्ट कर रही हूँ। मूंगफली बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, 2-3 मिनट लगते हैं। देखिए कैसे इस पर कलर आ गया है। अब गैस को कर दूँगी बंद और फिर इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं एक चौड़ी प्लेट पर, ताकि फटाफट से थोड़ी ठंडी हो जाए। बिल्कुल ठंडी नहीं करनी है, अभी वार्म ही होगी, तो इसको हाथों के बीच में मसलते हुए इसका छिलका उतार लेंगे। चटनी में मूंगफली के अलावा मैं डालूंगी ये 2 तुरियां लहसुन की, इसे भी छील लूंगी, और साथ में ये बड़ा सा टमाटर। अगर छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो 2 ले लीजिए। पैन के नीचे गैस को मैं दोबारा से ऑन कर रही हूँ, हीट को रख रही हूँ लो और मीडियम के बीच में। पैन पर डालूंगी 1 छोटा चम्मच तेल, गर्म तेल में डालूंगी ये लहसुन की कलियाँ। साबुत ही डाल दी हैं, इन्हें काटने की भी ज़रूरत नहीं है। 1.5-2 मिनट में ये भी फ्राई हो जाएगा। उसकी सरफेस पे आपको दिखेगा जैसे रिंकल्स से पड़ रहे हैं, क्योंकि ड्राई हो जाता है, पानी उसका कम हो जाता है। इस टाइम पर मैं डाल दूंगी इसमें 3 साबुत लाल मिर्च। अब कुछ ही सेकंड्स में देखिए लाल मिर्च का कलर भी चेंज हो गया है और गार्लिक पर भी बढ़िया सा कलर आ गया है। दोनों ही चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये चॉप किया हुआ टमाटर, रफली चॉप किया है। एंड में तो हमने सब कुछ ब्लेंड ही करना है, चटनी बननी है आखिरकार इसकी। और टमाटर का कलर देख रहे हैं कितना बढ़िया सा है, इससे चटनी का कलर भी बहुत ही सुंदर आएगा। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 टीस्पून, 1/3 छोटा चम्मच नमक, और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ। फिर इसे ढक देते हैं, बस बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी। तब तक कुक करना है जब तक कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। 3 मिनट लगे हैं और टमाटर अब देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। टमाटर का पानी अभी काफ़ी रह गया है, बट वह हमें आगे ब्लेंडिंग में हेल्प ही करने वाला है। बस अब गैस को कर देती हूँ बंद और इसे अब ठंडा होने देंगे। और एक बार ये ठंडा हो जाए उसके बाद मैं मूंगफली के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब देखिए जितनी देर में टमाटर को खो रहा था उतनी देर में मैंने मूंगफली के छिलके भी उतार लिए हैं। इसे ब्लेंड करते टाइम शुरू में तो पल्स फीचर पर ब्लेंड करेंगे, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करके ब्लेंड करेंगे, और फिर जैसे ज़रूरत लगेगी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। यहाँ देखिए चटनी कर ली है मैंने ब्लेंड, अब इसमें लगाने लगी हूँ एक बहुत ही मस्त तड़का, जिससे हमारी चटनी बनेगी बहुत ही फ्लेवरफुल। उसके लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पर लो हीट पर। इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच तेल, और तेल गर्म होने पर डालूंगी मैं
एक छोटा चम्मच सरसों। सरसों चटकने लगेगा तो इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच उड़द की दाल। अगर आपके पास घर में कड़ी पत्ता पड़ा हो तो आप 5-6 पत्ते वह भी साथ में फ्राई कर लें। चटनी के फ्लेवर को तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाते हैं। मेरे पास अभी कड़ी पत्ता है नहीं तो मैं डाल नहीं रही। दाल को भी बराबर चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। इस पर बहुत ही जल्दी कलर आ जाता है तो खास ध्यान रखेंगे। बस 1 मिनट से भी कम टाइम में दाल भी फ्राई हो गई है। तो ये उड़द दाल पर आ गया है बढ़िया सा कलर। ध्यान रखना है जल्दी नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा नमक मैं और डाल रही हूँ। 1/3 छोटा चम्मच तो पहले टमाटर में डाल दिया था, बस अब 1/4 टीस्पून और डाला है। इसे भी मिक्स कर देती हूँ। ये तड़का है तैयार, इसे मैं ट्रांसफ़र करती हूँ चटनी के ऊपर। इसमें बढ़िया फ्लेवर के लिए डालूंगी 2 छोटे चम्मच जितना नींबू का रस। लीजिए तैयार है बहुत ही फ्लेवरफुल पीनट टोमेटो चटनी। मैं बैटर ने कर लिया है रेस्ट। अब चलिए आज का मेन नाश्ता बनाते हैं। जैसे मैंने चटनी के लिए स्पेशल तड़का बनाया है वैसा ही अब मैं इडली के लिए भी बनाऊंगी। 1 छोटा चम्मच तेल, 1/2 छोटा चम्मच सरसों और 3/4 छोटा चम्मच उड़द दाल। और अगर कड़ी पत्ता डालते हैं तो ध्यान रखिएगा वह काफ़ी तड़कता है तेल में, तो अपने को बचा कर ही फ्राई करिए। मैं इसे पीनट चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ तो इसीलिए मैं इस तड़के में कोई नट्स नहीं डाल रही। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी और चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप इसमें छोटा छोटा बारीक कटा हुआ पीनट भी डाल सकते हैं, काजू भी फ्राई कर सकते हैं साथ में। अब जैसे ही उड़द दाल पर कलर आने लगेगा मैं इस तड़के को ट्रांसफ़र कर दूँगी बैटर में। इससे हमारी इडलीज बनने वाली हैं और भी टेस्टी। अब इस तड़के को कर देती हूँ अच्छे से मिक्स और अब इसकी कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट कर लेते हैं। अभी देखिए ये काफ़ी गाढ़ा घड़ा है तो हमें इससे पतला चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। आपको कितना पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है ये डिपेंड करता है कि आपका दही कितना गाढ़ा या कितना पतला था और साथ में आपके मटर और पोहे वाले पेस्ट में कितना मॉइस्चर आया है, उस सब पर डिपेंड करता है। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 80-90 ml पानी और डालना पड़ा है। और ये देखिए हमने पोहा और मटर का बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाया था तो आपको ज़रा ज़रा सा मटर का दाना भी दिखाई देगा, बहुत ही छोटा छोटा दाना। मैं अभी के लिए ये कंसिस्टेंसी रख रही हूँ, उसके बाद जब मैं इनो डालूंगी तो इसमें मुझे थोड़ा सा पानी और ऐड करना ही है। ये बैटर अभी के लिए तो हो गया है रेडी। अब देखते हैं इसे स्टीम कैसे करना है। अगर आपके पास ढोकला स्टैंड है जिसमें प्लेट्स होती हैं एक के ऊपर एक, 3-4 प्लेट्स का सेट होता है, अगर वह है तो आप सारा बैटर एक साथ ही उसमें डालकर स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास वह स्टैंड नहीं है तो मैं भी इस जुगाड़ से स्टीम करने लगी हूँ। एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल ली है 2 ग्लास पानी। इतना पानी ज़रूर डालिएगा कि जिसमें 20-25 मिनट के लिए स्टीम हो सके। कढ़ाई में रखा है जाली स्टैंड और इसके ऊपर रखी है एक स्टील की प्लेट। इस पर रखूंगी बैटर वाली प्लेट्स। कढ़ाई पर ढक्कन भी लगा देती हूँ ताकि स्टीम बढ़िया से बने। अब जब यहाँ पर ये पानी आपका गर्म होना शुरू हो जाए तब आप बैटर को फाइनल टचेस दीजिएगा। हीट को मैंने कर दिया है हाई पर। मैं इस बैटर को 2 बैचेस में स्टीम करने लगी हूँ तो मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ 2 बराबर हिस्सों में। कड़छियों से अंदाज से ही डिवाइड कर रही हूँ। अगर आप ढोकला स्टैंड में स्टीम कर रहे हैं तो सारा बैटर एक साथ ही कुक हो जाएगा। एक बार में एक बोल ही यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे को मैं ढककर साइड पर रख रही हूँ। मैं पोहा मटर इडली बना रही हूँ इस हलवा प्लेट में। आप किसी भी ऐसी प्लेट में बना लें जिसमें कॉर्नर्स थोड़े से उठे हुए हों क्योंकि इडली का बैटर फूलेगा, उसे सफिशेंट जगह मिलनी चाहिए। इतना बैटर 3 हलवा प्लेट में आएगा और ये मेरी कढ़ाई में बिल्कुल आराम से फिट भी हो जाते हैं। इन 3 प्लेटों को ही मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। बैटर में मैं डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच नमक। आप नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं क्योंकि हम इसे चटनी के साथ खाने वाले हैं। इसमें मैं डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट। आप इनो का जो एक पूरा सैशे लेते हैं उसमें 1 छोटा चम्मच होता है इनो, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच। तो अगर आप पूरे बैटर का इकट्ठा बना रहे हैं तो आप उसमें पूरा का पूरा सैशे डालेंगे। और इसमें मैं इसे एक्टिवेट करने के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। और देखिए इनो में पानी डालते ही किस तरह से बबल्स बनने लगते हैं, हमारा बैटर इमिजिएटली फूलने लगता है। तो इस इनो को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स हल्के हाथ से करेंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। अब यह प्रोसेस फटाफट से ही करना होता है। और इनो आपने बैटर में तभी डालना है जब आपका स्टीमर में पानी उबलना शुरू हो जाए। बस इस बैटर को मैं ट्रांसफ़र करूंगी इन प्लेट्स में। आधी आधी प्लेट तक भरना है, पूरा नहीं भरना। 3 प्लेट्स में बराबर क्वांटिटी में ही बैटर डालूंगी ताकि इडली का साइज़ बिल्कुल बराबर आए। बस इन कटोरियों को फटाफट से ट्रांसफ़र करते हैं स्टीमर में। स्टीमर यानी कि इस कढ़ाई में लिड उतारूंगी। और अभी देखिए भाप जितनी ज़ोर से आ रही है ना उसी से ही पता चल रहा है नीचे पानी कितनी ज़ोर से खौल रहा है। फटाफट से बस ये प्लेटें सेट कर दूंगी, ढक्कन लगा दूंगी वापस और हीट को मैं सेट कर दूंगी मीडियम से थोड़ा सा ऊपर। 15 मिनट तक तो इसे खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ढक्कन उतारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस आप इस बात का ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपने सफिशेंट पानी डाला हुआ हो कढ़ाई में।
अब 15 से 16 मिनट के बाद मैं इसे चेक करना शुरू करूँगी। 20 मिनट हुए हैं इसे स्टीम होते हुए और अब ये बैटर बिल्कुल कुक हो गया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, टूथपिक डालिए या नाइफ डालकर चेक करिए। तीनों ही प्लेट्स में मैं अलग अलग से चेक कर रही हूँ, बिल्कुल क्लीन आ रहा है टूथपिक। तो अब गैस को मैं करती हूँ बंद और इन प्लेट्स को निकालूंगी बाहर। प्लेट्स अभी काफ़ी गर्म है, इन्हें अभी मैं किचन शेल्फ पर ही छोड़ दूंगी कुछ मिनटों के लिए, जब तक ये थोड़ी सी ठंडी नहीं हो जाती और अभी इडलीज अपनी हीट में ही और कुक भी होंगी। बैटर का सेकेंड बैच स्टीम करने से पहले कढ़ाई में और पानी डालना है, उसे उबलने देना है, तभी हम सेकेंड बैच में इनो डालकर फिर प्लेट्स में सेट करके स्टीम करेंगे। यहाँ मैंने बचा हुआ बैटर भी प्लेट्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। बैटर डालने के बाद प्लेट्स को एक बार इस तरह से टैप भी कर दीजिएगा ताकि बिल्कुल इवन इडलीज आएँ। अब इतनी देर में ये प्लेट वाली इडलीज भी थोड़ा सा ठंडी हो चुकी हैं, तो मैं पहले चाकू से बिल्कुल बाहर बाहर की तरफ से इसे रिलीज़ कर दूँगी तीनों ही प्लेट्स में, फिर आपको इडली निकाल कर भी दिखाती हूँ। इस प्लेट को उल्टा करके प्लेट के बैक साइड पर थोड़ा सा टैप करेंगे तो इडली इजीली रिलीज़ हो जाती है। ये देखिए, ये इडली बनती है सुपर सॉफ्ट। देखने में जितनी सुंदर लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। मैं आपको एक इडली तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, से मलाई की तरह टूटती है, बहुत ही सॉफ्ट है इडली और अंदर से इसका टेक्सचर देखिए। मटर का दाना आपको दिखाई दे रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा, ऐसी सॉफ्ट इडली ना मुंह में जाते ही घुल जाती है। अगर आप इस इडली को रूखी खाएंगे ना बिना किसी चटनी के भी, बहुत ही टेस्टी लगती है, सुपर टेस्टी, इतनी सॉफ्ट बनी हुई है ये और फ्लेवरफुल बहुत है। ये इडली बच्चों को तो पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। तो ये लीजिए, अब बाकी इडली भी तैयार है। अब 6 में से 5 ही बची हैं दिखाने के लिए, क्योंकि एक तो हमने स्वाद स्वाद में ही खा ली। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये पोहा और मटर की इडली, प्लेट इडली और चटनी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये दोनों ही रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। और अगर आप मेरी ये रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर पिक्चर शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। अभी के लिए है बाय, आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।